कौन है वो एक्ट्रेस जिसने अपनी फिल्मों के बजाय अपनी शादी से बॉलीवुड में पहचान बनाई? कौन है वो शख्स जिसकी ज्यादा फिल्म न होने के बावजूद एक मशहूर एक्ट्रेस इनसे शादी के बंधन में बंध गई? इनमें ऐसा क्या है जो इस एक्ट्रेस ने धर्म और जात-पात को भी नहीं देखा? अगर आप भी जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले चलिए स्टेज से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ज़हीर इकबाल के बारे में। जी हां वही ज़हीर इकबाल, जो कि भले ही अपनी एक्टिंग लाइन में पूरी तरह से सफल ना हो पाए लेकिन सोनाक्षी सिन्हा से शादी के बाद तो जैसे सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर्स में सभी ये छाए हुए हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और ज़हीर इकबाल के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों ज़हीर का पूरा नाम है ज़हीर इकबाल रतन सिंह। इनका जन्म 10 दिसंबर 1988 को मुंबई के एक हाई क्लास परिवार में हुआ था और इस हिसाब से आज इनकी उम्र है 35 साल। बात करें इनके परिवार और भाई बहनों की तो जैसा कि हमने आपको बताया ये एक हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल इनके पिता मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी के काम के संग संग और भी कई बड़े बड़े बिजनेस है। इनके पापा का नाम है इकबाल रतन सिंह। वहीं इनकी मम्मी की बात करें तो इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है और आज तक इकबाल ने कभी भी अपनी माँ का नाम रिवील नहीं किया, इसलिए इनकी माँ का नाम दोस्तों आज तक किसी को नहीं पता। फिर इकबाल की एक बहन भी है जिसका नाम है सनम रतन सिंह। तो दोस्तों ये तो रहे इकबाल के वो फैमिली मेंबर्स जो कि उनके साथ काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब इनकी फैमिली में एक और लड़की जुड़ गई है और वो है सोनाक्षी सिन्हा। हाल ही में 23 जून 2024 को इनका रिश्ता जुड़ा है। आज सोनाक्षी इनकी पत्नी हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी मुलाकात आखिरकार कैसे हुई, कैसे पहली बार देखते ही सोनाक्षी को ये दिल दे बैठे और कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा? अगर आप नहीं जानते तो बॉस ये वीडियो आपके लिए ही तो है, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं तो गलत बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ज़हीर और सोनाक्षी की पहली मुलाकात किसी और की वजह से नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान बोले तो सलमान की वजह से हुई थी। दरअसल कुछ समय पहले सलमान खान ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने सभी बड़ी बड़ी हस्तियों को इनवाइट किया था और उसी पार्टी में ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा को भी इन्वाइट किया गया था। इस तरह से ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले। वैसे तो पहली नजर में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन इस प्यार की शुरुआत एक दोस्ती के तौर पे हुई जिसके बाद धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब इन दोनों ने साल 2022 में डबल एक्सल मूवी में एक संग काम किया तब से ही इनका प्यार और ज्यादा गहरा होता गया था और ये दोनों छुप छुप के मिलने भी लग गए थे। हालांकि इन दोनों से ही इनके रिश्ते के बारे में कई बार रिपोर्टर्स द्वारा पूछा गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हामी नहीं भरी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर आप तो जानते ही हैं जो फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट स्टार की हर खबर से वाकिफ रहते हैं, फिर चाहे वो खबर कितनी ही सीक्रेट क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ इन दोनों के केस में भी हुआ। दरअसल लोगों ने जब देखा कि दोनों भाई कई बार साथ में स्पॉट हुए हैं और इन दोनों की बॉन्डिंग जब लोगों ने देखी तो साफ पता चल गया कि भाई कुछ तो झोलझाल है। बस फिर क्या था, इनका झोलझाल सबको पता चल गया। लेकिन भाई किसी को भी इनके बारे में कुछ गलत तरीके से पता चलता उससे पहले ही इन दोनों ने अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दिया, जिसके बाद तो सोनाक्षी सिन्हा के संग ज़हीर इकबाल भी काफी चर्चा में रहने लगे। वेल इस तरह से शुरू हुई ये प्रेम कहानी अपने मुकाम पे पहुंची 23 जून 2024 को और इन दोनों का रिश्ता शादी के पवित्र बंधन में बंध गया। आइए भी आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने शादी कब, कहां और किस रीति रिवाज से की और इनकी शादी में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। शादी की तारीख तो हम आपको बता ही चुके हैं। इन दोनों ने मुंबई में ही अपने परिवारजन और कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर इस शादी को पूर्ण रूप से संपन्न किया। इनकी शादी में हुमा कुरैशी और उनके बॉयफ्रेंड रचित सिंह जैसे कुछ लोग शामिल हुए। वैसे दोस्तों अपनी शादी के बाद आज जितना फेमस ज़हीर और सोनाक्षी हो रहे ना, उतनी ही चर्चाओं के विषय बन रहे सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा भी। अगर आप सोनाक्षी और ज़हीर के फैन है तो आपको इन दोनों की शादी से लेकर रिसेप्शन तक की फोटोज जरूर मिली होंगी, लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि शादी के बाद जो रिसेप्शन था उसमें खींची गई फोटोज में आपने सलमान खान, काजोल, रेखा और अनिल कपूर जैसे कई बड़े बड़े कलाकारों को देखा होगा, लेकिन वही उन फोटोज में सोनाक्षी सिन्हा के भाई यानी लव और कुश की फोटोज नहीं थी। इसके पीछे का कारण है कि ये उनकी शादी में शामिल ही नहीं हुए। खैर ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि एक शादी में जो रस्म एक बहन के भाई को निभानी होती है, यहाँ पर वो रस्म सोनाक्षी के भाई ने नहीं बल्कि एक्टर साकिब सलीम ने निभाई थी। इतने नहीं, जब सोनाक्षी के भाई से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने न्यूज में कुछ भी खुलकर नहीं बताया। हालांकि सोनाक्षी के भाई लव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता, जब सही समय होगा तब मैं बात करूंगा। वैसे अपनी ही बहन की शादी में ना आना ये बात वाकई में दोस्तों काफी बड़ी है। इस मामले में कोई कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि उनका आपसी मामला है। फिलहाल हम शादी के मामले को यहीं पर छोड़ देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ज़हीर ने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की और उन्होंने बॉलीवुड में किस तरह से अपना करियर बनाया। दोस्तों ज़हीर ने अपनी स्कूली पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की है जहां रणबीर कपूर उनके सीनियर हुआ करते थे। अब जब ज़हीर ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे चलकर किस फील्ड में अपना करियर बनाए और इसी सोचा विचारे के दौरान इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ये अपने पिता की ज्वेलरी और रियल एस्टेट के बिजनेस को संभालने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके साल बीतते गए और ये अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। वैसे यहाँ एक और बात आपको बता दें कि ज़हीर के पिता के संबंध सलमान खान के संग शुरू से ही काफी अच्छे थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसे एक समय था जब ज़हीर अपने पिता के बिजनेस को संभाल रहे थे तब सलमान खान ने उनके लुक को देखकर कहा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। सलमान खान के मुंह से ये बात सुनकर मानो ज़हीर के दिल और दिमाग पर एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं सलमान भाई जैसा बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि भाई मुझे तो एक्टिंग का ये भी
नहीं आता, पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। जी हां, उन्होंने तकरीबन 2-3 साल तक सलमान खान के साथ मिलकर उनके असिस्टेंट के तौर पर काम किया और उनके साथ रहकर जहीर ने एक्टिंग से जुड़ी काफी सारी चीजें सीखी। इस तरह से जहीर ने अपने करियर की गाड़ी को फिल्मी लाइन की तरफ मोड़ा और फाइनली साल 2019 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था नोटबुक। इस मूवी में उनके संग प्रनूतन बहल जैसे कलाकार देखने को मिले। वो बात अलग है कि उनकी ये पहली फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई, लेकिन इससे इनको पहचान मिलनी शुरू हो गई थी और उनकी फोटोज कई मैगजीन्स में भी देखने को मिली। वेल दोस्तों, पहली फ्लॉप फिल्म के बाद साल 2022 में XXL मूवी में इन्होंने काम किया, जहां से इनके और सोनाक्षी के संबंध गहरे हुए। फिर मूवी के बारे में बात करें तो उनकी ये फिल्म भी फ्लॉप रही और फिर साल 2023 में आई सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान, जिसमें इन्होंने काम किया और इस फिल्म से दोस्तों इनको काफी पहचान मिल गई। चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको इनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं, ये माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े वाले फैन है। वही आपको बता देने, सलमान खान ने ही नोटबुक मूवी के साथ बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इतने नहीं, सलमान खान ही थे वो जिनकी वजह से जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा पहली बार मिले, बताया था ना ऊपर पार्टी में। वेल दोस्तों, थी जहीर इकबाल की पूरी कहानी। आप हमें बताइए जोड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।